हाँ देखो भैया बाबूरी साहब, इधर ध्यान दो आप, अभ्यास एक आई, ठीक बताना है आप लोगों को, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। अब क्या कर रहा भैया, अब कक्षा आठ ना, कक्षा आठ अभ्यास एक आई, लड़के आई, देखो भैया देखो, हाँ ध्यान से देखना भैया क्या कर रहा है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न एक व दो के सही विकल्प चुनिए, बताना है कैसे आया, कैसे सही है। पहला सवाल है लड़के, एक आई का है, ध्यान देना, एक आई कक्षा आठ माइनस एक, और लड़के माइनस एक बटा दो के ठीक बीच की परिमेय संख्या है, के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। बाबू ध्यान देना, परिमेय संख्या है, क्या विकल्प दिया है, माइनस वन बाई टू नंबर दो, वन बाई टू नंबर तीन, माइनस थ्री बाई फोर नंबर चार, थ्री बाई फोर। लड़के थोड़ा सा बताना मुझे भैया, ये क्या है माइनस एक और माइनस एक बटा दो, बात ये, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या क्या होती है, समस्त प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, समस्त पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, समस्त पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, परिमेय संख्या क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर, जिस संख्या को हम पी अपान क्यू के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, जिस संख्या को पी अपान क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है, जहां जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, पी और क्यू सब अभाज्य संख्याएं हैं। लड़के ध्यान देना, पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, बात ध्यान से समझना, ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, हाँ मानक रूप, सह भाज्य संख्या मतलब समझते हो, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, बात यहां आ गई, बाबू कौन बताएगा, व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जल्दी बोलो कौन बताएगा, हाँ भाज्य संख्या, भाज्य कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, हाँ गुरुजी तो लड़के पढ़ा तो चुका हूँ, वह संख्या, हाँ बोलो बाबू, दो चार छह आठ, नहीं बाबू ऐसे नहीं, सुनो आप, वह संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, लड़की याद आया, वह संख्या जिसके दो या दो से, दो नहीं सारी सारी, दो से अधिक, क्योंकि अभाज्य के दो होते हैं, वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक और वह संख्या उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं भैया, भाज्य संख्या, बैठे जैसे चार, हाँ जैसे चार, हाँ छह, आठ, नौ, दस, मने सभी अभाज्य संख्या को छोड़ करके, बैठ जाओ, अभाज्य संख्या बता रखी, अभाज्य संख्या, हाँ गुरुजी जैसे तीन, हाँ दो, तीन, एक, एक एक लड़के, अरे गुरुजी एक और नंबर, कंपोजिट नॉट प्राइम, एक जो है न भाज्य है न अभाज्य है, वन इज ओनली आठ नंबर, एक केवल विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, बात समझ में आए, लड़के मालूम हुआ, अब बात आती है माइनस एक और एक बटा दो, ऋण एक बटा दो के बीच में, पहले संख्या रेखा की सहायता से देख लो, ये क्या है, यहाँ यहाँ जीरो, ये क्या है माइनस एक, इनके बीच में ये क्या होगा, माइनस एक बटा दो होगा ना बाबू, यही ना होगा भैया, अब इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना है, ए वाली संख्या क्या होगी, भैया ध्यान से सुनना,
ठीक बीच की परिमेय संख्या। बात समझ में आए? अब बाबू सुन लो, बाबू सुन लो, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हो, इसको पी अपान क्यों मान ले बाबू, इसको क्या बना ले, जल्दी बोलो यार, आर अपान एस या सी अपान डी जो भी मान लो, ठीक है, ये दोनों संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, दोनों संख्या है। अब जानते परिमेय संख्या, बताया कि जो है माइनस दो है वो भी परिमेय संख्या है, हाँ। ये दोनों संख्या है, इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना है अगर हमें, तो क्या होता है बाबू, ध्यान समझना मालिक, वन बाई टू, ठीक बीच, ठीक बीच। जैसे अब लड़के बोलते चार और छह के ठीक बीच की परिमेय संख्या, चार और छह के ठीक बीच की क्या होगा, पांच ही तो होगा ना, यानी चार धन छह, दस बटा दो, दोनों के जोड़ का आधा, मेरी बात समझ में आऊ, दोनों के जोड़ का आधा, ठीक। यहाँ क्या होगा, वन बाई टू पी अपान क्यू प्लस आर बाई एस, ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, आज बाबू आई, तो कोई भी हो यही फार्मूला लगेगा ना बाबू, क्या लगेगा, वन बाई टू, देखो क्या होगा, वन बाई टू माइनस वन प्लस माइनस वन बाई टू। अब लड़के थोड़ा सा ध्यान देना भैया, यहाँ मुझे दिक्कत आती है, आप लोग जानते हैं मुझे भिन्न का जोड़ नहीं मालूम, आप लोगों को मालूम, आप लोग पढ़ते हो, है ना, तो बाबू क्या होगा, बाबू जल्दी बोलो, माइनस वन, ए मालिक सरकार हजूर, माइनस वन प्लस माइनस वन बाई टू, दस माइनस वन एंड माइनस वन बाई टू, बाबू जल्दी से, जल्दी से कौन बताएगा, हाँ जल्दी खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो जा, बोल जल्दी, माइनस वन प्लस माइनस वन बाई टू, अरे लड़के माइनस वन प्लस माइनस वन बाई टू, हाँ बोलो भैया बोलो बाबू, दो बटा दो, दो बटा दो, सावल वेरी गुड, यू आर वेरी गुड बॉय, हाँ कोई खड़ा होगा, और कोई लड़के, हाँ बोलो गुरु जी, पहले गुरु जी वन माइनस वन, हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दो, माइनस 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 कर दिया, माइनस वन माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना बाबू, प्लस इंटू माइनस वन बाई टू, ठीक चलो भाई ठीक है, अब दो एक हम दो माइनस दो एक हम दो माइनस दो माइनस माइनस एक बटा दो, यानी माइनस माइनस तीन बाई दो, तो बाबू क्या होगा, बाबू क्या होगा, भैया राजा बैठे बाबू, अब दो एक क्यों, भैया राजा बाबू बनारस, दो एक क्यों दो प्लस माइनस, अब यहाँ क्या होगा, माइनस एक बाबू पूरा बटा दो, देखो बाबू देखो, अगर ऋण ऋण है, समान चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह तो वही रहेगा, प्लस है ना बाबू, प्लस है ना, ऋण ऋण है बाबू, ध्यान देना, वन बाई टू यहाँ है बाबू, इधर देखो वन बाई टू, यहाँ क्या है, हाँ इन टू वन बाई टू और है, हाँ माइनस दो एक, दो एक सी बाई टू इज इक्वल टू क्या बाबू, तीन एक क्या, तीन दो दूनी माने तीन बटे चार, कोई बात का, हाँ गुरुजी तीसरा नंबर, ए ए बी कल तुम्हारा, ठीक समझ बाबू आया कि नहीं आया भैया, चलो आगे, ए बाबू आया हो, चलो हम लगा दे, मैं चलो बाबू धन्यवाद, तो के बहु राजा है, हाँ अब चलो ले आगे वाला, अब हमके बताओ जा, हमें बाबू ना ही मालूम बा, हाँ। आप लोग बताओ भैया, बताओगे ना, हाँ, चलो भैया राजा, हाँ अभी बताओ सवाल, माइनस तीन और चार के ठीक बीच इस परिमेय संख्या क्या है, सवाल नंबर दो, माइनस चार, तो माइनस तीन और चार के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या, हाँ बाबू बोलो के बटा जी, हम हाँ लिखा माइनस सात बटे दो, हाँ और कोई लिखा, अच्छा माइनस तीन और चार मुझे बता, माइनस तीन चार, और कोई लड़का जल्दी से, और कोई लड़का एक बटा दो, सही बात, हाँ बाबू कैसे भैया राजा वो बनारस, अब देखा जा बाबू भैया, अब देखा का बतावा है, कोई भी संख्या बा भैया, बाबू बाबू ध्यान कर,
बतावा कोई भी संख्या बा, ठीक बीच का निकालने के बाद दोनों के जोड़ का आधा, दोनों के जोड़ का आधा, समझ बाबू भाई। अब ठीक बीच के निकालने के बाद यदि क्या हो, एक बटा दूर जोड़ के इधर दोनों का भैया। अब ये बतावा, ये बतावा, ये ऋण बा धन बा, ये लड़का ध्यान से सुने जा, जब दुई विपरीत चिन्ह रहता का होता घटाना अंतर, का होता अंतर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या। हाँ तो कौन बोला बात, चार चार में तीन का एक, यानी एक बटा दो गुणित के ना, एक बटा दो। हाँ बात समझ में आई कि ना? और चेक कर लिया देखा, अरे अरे प्रभु प्रभु सही तो बात, फिर तीन धन चार सही तो बात, गलती कहाँ पर, हमारे शंका हो, चेक कर लिया देखा संख्या देखा थी, आओ बोला और देखो माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो नौ एक दो तीन चार ना बाबू चेक कर ले। अब बाबू देखो एक यही का दो तीन चार पांच छह सात ना बाबू, तीन यहाँ छोड़ा, तीन यहाँ छोड़ा, अब ये दोनों के बीच का था होए ना। हाँ बोलो होए कि ना बाबू, होए कि ना भैया, भाई फंगल लागू हो ना, चलिए बैठ जा भैया, बैठ जा बाबू, बैठ जा भैया, बैठ बाबू, मालूम है सबके। हाँ बाबूजी, अब लगाइए ले बैठ जा। हाँ बाबूजी, आन आओ दही। अच्छा एक सवाल बोलो, कर भैया सवाल, रीड एक और एक, ऋण एक और एक के ठीक बीच की परिमेय संख्या। बाबू भैया जीरो बटा दो यानी जीरो। हाँ बाबू ये हुए ना हो, देखो ऋण एक हो, ये एक हो, विश्वम जीरो ही आवत है ना। समझ में आए? अच्छा चलो बाबू, सवाल नंबर चार, लड़का लोग चलो बाबू, बाबू रेडी, बाबू रेडी, बाबू एक बटे तीन और एक बटे दो के ठीक बीच की परिमेय संख्या। लड़का जल्दी रेडी हो, एक बटे तीन और एक बटे दो के ठीक बीच की परिमेय संख्या, जल्दी से भैया हरे बीच की परिमेय संख्या बाबू का हो, जल्दी पाँच बटे दो कैसे लड़का? अनाजी पांच बटे छह। ना 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 कोई भी लड़का सही से ऐसा बात, एक बटे तीन धन एक बटे दो का आधा, एक बटे तीन धन एक बटे दो का आधा। हाँ बोला मुझे बताओ बाबू, मुझे पांच बटे आधा, पाँच बटे बारह। हाँ पाँच बटे बारह, पाँच बटे बारह। और बाबू बैठ जा, बाबू बैठ जा, बाबू बैठ जा, बैठ जा भैया। हाँ लड़का ध्यान दे बाबू, भैया बाबू बात ना है, भैया बात ना है, बाबू बात ना है, समझ गए? अब देख लस पर ले जा, ए लड़का लड़का सुना दे, सुन के लस पर तीन और दुई के लस पर मालूम है सत्य ना है, सच्ची बता रहे बताए सबके बताबा ना, बड़का भाई है ना, तीन अभी के लसक का है छह है होए ना। अब देखो तीन के भाग देवे दुई बार जाए ना, तो दुई एक क्या दुई लस में हर का भाग देवे, फिर धन फिर ई हर से भाग देवे, तो दू ती आई तीन एक क्या। अब बाबू कहाँ हो जाए एक बटा दुई और गुणी, यहाँ क्यों कोई चिन्ह नहीं ना बा, यहाँ पूरा चिन्ह है, और तीन दुई पाँच बटा छह बाबू, समझ में आये सब चीज नहीं भैया? अब बताए ले भैया, चलो अगला बताओ जहाँ अगला बताओ जीरो गुरु जी सीधे। हाँ चलो अच्छा बताओ, दिव्यांश खड़ा हो, दिव्यांश खड़ा हो ना, दिव्यांश तू बताओ, ये बताओ तीन बटे पाँच माइनस तीन बटे पाँच और ठीक बा माइनस
तीन बटे चार, माइनस तीन बटे पांच और माइनस तीन बटे चार के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? हाँ दिव्यांश, ठीक बीच की परिमेय संख्या। जल्दी बोला भैया, बाबू कैसे निकल रहा है, हम कि नहीं मालूम था, जल्दी बताओ निकाल। फिर निकाल ले भैया, एक मिनट दो मिनट, जल्दी से फटाफट। हम घड़ी पर आए, बारह बटा एक करेक्ट बात है। बहुत सारे बारे बड़े भाई, वाह बड़े भाई की सवाल है, बड़ा बढ़िया भाई। बाबू टाइम देखा था ये, एक मिनट टाइम भेजा जा, ठीक बा, पांच सेकंड बीती के बाद, दस सेकंड हम घड़ी देखा थे, तीन बटा चार, पंद्रह सेकंड, तीन बटा चार, कैसे निकाले हमने का पता बाहर, जल्दी दिखाओ जी, आधा ना ठीक बीच के बता रहे फॉर्मूला ना, वन बाई टू पहली संख्या पी अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन एस, ये वो था फॉर्मूला बता दिया। हाँ नहीं चले जाओ, ठीक ठीक ठीक, छप्पन छः बीस बारह पाँच सौ पंद्रह बीस 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 बाईस बटा चालीस, सही बोले सत्ताईस बटा चालीस, ऋण सत्ताईस मिनट, ठीक बात। बाबू सब क्या आए क्या? आओ देखो बाबू कैसे आए, भैया राजा बाबू बनारस यहाँ देखा जाए भी छोड़ा, टाइम भी दिखा, मुझे बताइए। आओ कापी दिखाओ, कापी दिखाओ मोर भैया राजा बाबू बनारस, चलो सब सुना दिखाई है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस देखा देखा वन बाई टू भैया यार देखा। बाबू माइनस तीन बटे पांच धन माइनस तीन बटे चार, ठीक बा। अब बाबू लस सब पर ले बे एक बीस हो धन चिन्ह में कोई टेंशन नहीं, धन ना रहे तो धन ही हो, ऋण रहे तो धन ही हो, संख्या हुई चिन्ह हुई रहे। अब चार पंच बीस लस हो ना हो बोला जा, देखा एक बात सुन लेगा भाई रे, जब दो सौ अभाज्य संख्याएं हों लस उनका गुणनफल होता है, सुने। अब चार और पांच इकाई सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या सुनने से जा, जौन दी संख्या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न घटे, ठेठ में सुने जा, दुई संख्या एक के अलावा किसी अन्य से न घटे तो के सहभाज्य संख्या कहा जाती है। लड़का लोग पकड़ में आए भैया, चार और छ क्या है? सहभाज्य संख्या है, क्या है? सहभाज्य, क्योंकि दोनों दो से कट रही है, किसे कट रही है? दो से, यानी एक के अलावा किसी अन्य से न कटे, समझ में आया, उसे आप सहभाज्य संख्या कहते हो। ये हमेशा ध्यान दो आप सभी के सभी लोग, अगर दो सहभाज्य संख्याएं हैं उनका लस सदैव उनका गुणनफल होता है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों बाबू? इसे दिमाग में गठिया लो अपना। अब चार और पांच क्या है? सहभाज्य संख्या है, इनका लस क्या में गुणनफल होगा। अब बाबू ये दर देखो, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट चार की आई डायरेक्ट आई कब, ये करिश्मा कब हुए? जब दो सौ अभाज्य संख्या है, ठीक बात, तब डायरेक्ट बुला के जाए, सहभाज्य रहे में वहां दिक्कत हो तो बता देते का दिक्कत होते। देखो जैसे देखो बाबू, अब जैसे यही बात किया, ऋण पांच बटे छ बा, ठीक बा, धन कब ऋण तीन बटे चार बाबू। अब दोनों को लस ले गए तो का हो जाना छे, देखो दो तिहाई छ दो दूनी चार, दो दूनी चार ये हो ना, दो गुणित तीन गुणित दो लस का हो बारह बारह, यानी मस दू है जो जो बची संख्या ये लस होगी, सहभाज्य संख्या है। तब बात समझ में आता है, बात नहीं आता साठ में बात करते हैं, तो अब वहां पा रहा है ये ना। तब देख अब अगर तू गुणा कर बे गड़बड़ हुई है ना, छ दूनी बारह, छ दूनी बारह, अवधि पंचे दस, चार के बारह,
तीन दिखाई बोला भाग नहीं हो। यहाँ दिक्कत आवत है कब जब सहभाज्य संख्या रहत है तब तब डायरेक्ट ऐसे नीचे से नहीं होते तब ओकर लसक हर के भाग दे के जो भाग फलाय पूरा कर बस समझे तक नहीं ये पकड़े बाबू आए कि नहीं आए भैया राजा बाबू बनारस आओ अब देखो भैया वन बाय टू अंडर देखिए अभी माइनस पंद्रह दोनों चिन्ह बन समान चिन्ह बाग नहीं था जब समान चिन्ह संख्या जुड़ जाए तो माइनस माइनस का हुई प्लस चिन्ह भर जाए का हो जाए माइनस सत्ताईस बटा बीस। अब बाबू जी बड़े दुई बार एक बुरा कैसे हुए हर से हुए ना हो माइनस सत्ताईस बटा चालीस सत्ताईस बोला चालीस समझ में सबकी आज नहीं है बाबू राजा आओ अब लड़का आगे बताओ चलो आगे भैया बाबू हाँ दिव्यास बाबू चल माइनस तीन बटे पांच और आठ बटे तीन के ठीक बीच की परिमेय संख्या माइनस तीन बटे पांच और आठ बटे तीन के ठीक बीच की परिमेय संख्या टाइम मान ली कल कल सेकेंड माइनस तीन बटे पांच और आठ बटे तीन टाइम सेकेंड में भाई मिनट में नहीं आए एक मिनट भर दे ले बस एक मिनट उसे ऊपर कोई मिनट ना लग मिले एक मिनट में सवाल लगे चाहे एक मिनट में सवाल लगे चाहे। हाँ भैया देखे सवाल बाबू भैया राजा माइनस तीन बटे पांच और आठ बटे तीन के ठीक बीच की परिमेय संख्या के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या लिख लिया है माइनस तीन बटे पांच और आठ बटे तीन के ठीक बीच की परिमेय संख्या सुने बाबू ए लड़का बात नहीं बीच की परिमेय संख्या रेशनल नंबर बिटवीन माइनस थ्री बाई फाइव एंड एंड बाई सी। अब यह लड़का था बात वन बाई टू बाबू लस पंद्रह का है पांच और तीन सब भर संख्या तो अब तीन तिकाई माइनस नौ आठ पंद्रह लड़का लोग देख कह रहे अगर प्लस माइनस दो विपरीत चिन्ह रहे कह रहे प्लस और माइनस सदैव का होता अंतर सदैव का होता अंतर वह बतावा है कि नहीं बतावा कि नहीं बाबू तो जब प्लस माइनस बा अंतर तो होने होना बा गारंटी होगी 100% यदि सदैव ना तो वन बाई टू अब चालीस में से नब्बे घटा दे क्योंकि प्लस ज्यादा बा प्लस ज्यादा बा इकतीस बटा इकतीस से क्या होना दूना इकतीस बटा समझ में बाबू कि नहीं लड़के ए लड़के बात है बाबू जल्दी से फटाफट बट माइनस पांच बटे चार और माइनस एक बटे छ के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जल्दी से फटाफट बट माइनस पांच बटे चार और माइनस एक बटे छ के ठीक बीच की परिमेय संख्या टाइम ओनली फॉर वन मिनट। हाँ देखो आप लोग ठीक लड़के बाबू इधर देखो अरे भैया क्यों बात करते हो यार देखो ध्यान से माइनस पांच बटे चार और माइनस एक बटा छ के ठीक बीच की परिमेय संख्या बारे बाबू बा परिमेय संख्या भैया जी क्या बताया था फार्मूला वन बाई टू पहले लिख लो बाबू वन बाई टू बाबू जी लगाना सवाल कैसे माइनस फाइव बाई फोर प्लस माइनस वन बाई सिक्स है लड़के अब नेशनल नंबर बिटवीन माइनस फाइव बाई फोर एंड माइनस वन बाई सिक्स इज इक्वल टू वन बाई टू अंडर ब्रैकेट माइनस फाइव बाई फोर प्लस माइनस वन बाई सिक्स ठीक। अब यहाँ फोर और सिक्स फोर एंड सिक्स आर कंपोजिट आर को प्राइम नंबर लड़के फोर एंड सिक्स आर कंपोजिट आर को प्राइम नंबर कौन व्हाट कंपोजिट है कि को प्राइम नंबर है
कंपोजिट नंबर्स बात हाँ को प्राइम सॉरी नहीं को प्राइम हाँ को प्राइम नहीं नहीं को प्राइम सहभाज्य होता है ना कंपोजिट नंबर सहभाज्य है ना आपको सहभाज्य नंबर हाँ चार और छह लड़का देख सहभाज्य है ना काहे कि दू दूनी और दू तिया इनका लस का बाबू मानस लस का चार अक्षर है चार बराबर निकले है छह बराबर निकले है ना अब चार और छह का लस ध्यान से समझे चार और छह का लस सब सवाल में वही बात आई बाबू चार और छह का लस अब दोनों में बात है दुई बच्चा का दुई का बच्चा तीन दूनी चार तीन अब समझ में आए कि नहीं है बोलो अच्छा अब बाबू देखो यहाँ बारह बा अब यहाँ वन बाई टू लस अब है बारह भैया राजा कब और देखो ध्यान से बोले जाके छोड़ो के बाबू भैया देखो सुनो अब एक हर का बा फिर से सुनो ध्यान समझ ध्यान से समझ कोशिश करो भैया जाने की कोशिश करो एक हर का बा चार अब इन लस में यहाँ का हो जाए देखो ध्यान से यहाँ का हो तो हर देखो माइनस फाइव बाई फोर इंटू एल सी एम ध्यान दे अब ऐसे एकदम प्राइमरी वाली बात करते माइनस फाइव बाई फोर इंटू एल सी एम प्लस माइनस वन बाई सिक्स इंटू एल सी एम अब समझ में आए कि ना एल सी एम जो भाग दे हम लोग एक भाग दे अंश में बुरा करी थे यही हो था अरे भाई एकदम बेसिक से बतावत है लेकिन आप तो दिमाग दीवार की तरफ बा वो बड़का भैया हमारे यहाँ हमारा मानीटर साहब ए भाई साहब यह देखो अब सुनो ध्यान से अब एक भाग दे रहे हैं ए लड़का अरे साथ हो जाए भैया चार के बारह कटे ना कटे यहाँ का हो जाए लड़का वन बाई टू पांच तिहाई पंद्रह ध्यान समझे अब वही बोला है ना कि हर में भाग दे ए मानस ध्यान हर में भाग दे चार तिहाई बारह जोन आवाज अंश में गुणा करे यहाँ का करे गुणा करे यही नहीं करे प्लस प्लस अब यहाँ देखो छह एक क्यों छह और छह दूनी अब दू एक क्यों बाबू यही यानी हर में लस में यहाँ से भाग्य है छुनी बारह अब जी से अंश में बुरा करबे कि न करबे करबे ना अब बाबू आओ अब यहाँ पूरा बटा का होगी लस ये लड़कवा समझो कोशिश हम बताओ थे कि बेसिक से कि आराम से देखो समझो यानी जब एकदम नहीं आवत है तो जीरो से एकदम बिल्कुल नहीं आवत तभी तोहरे आ जाए हमें तीन चार पांच वाले रास्ता से बताओ थे आ? लेकिन तब भी कोशिश आप लोग नहीं करते ढाई हर ढाई हर ढाई हर यार तब कैसे हुए अरे बाप रे बाप अब हमको लगता है हमको गुस्सा लगा था ए बाबू नहीं सब यहाँ देखा अभी समझ में आई नहीं तो वन बाई टू ध्यान समझे अभी दोनों देखा 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 चिन्ह का दोनों को दिखाता है दिखा तो सब में आई भैया माइनस माइनस बा की नहीं बा बा माइनस माइनस अरे भाई हाथ जोड़ से आप लोग से हम का कही हम भी आ जाए माइनस माइनस का हो माइनस रहे चिन्ह का है और पंद्रह दोनों जुड़ जाएगी ना है पंद्रह दुई बटा बारह आई समझ भी नहीं है ये समझ सब किया कि नहीं है अब क्या हो बाबू एक गुणा ऐसे हुए पहले चिन्ह का गुणा होता ना ये प्लस बाई माइनस बा प्लस माइनस सत्रह एक क्या और बारह दूना माइनस सत्रह बटा चौबीस समझ के आए कि नहीं आए हम देखे थे आप लोग आगे आगे पहुंच गए लेकिन अब है भी एकदम बेस नील बटा सन्नाटा अरे यार आगे हाँ लड़का सुना ए बाबू भैया राजा अगला सवाल एक सही तीन बटे चार और चार सही तीन बटे आठ अरे भैया सुना बेईमानी क्या हमला करी
जब बीमारी कर दम्बा करी लगा जब बैठा था एक सही तीन बटे चार और चार सही तीन बटे आठ के ठीक मध्य की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। समय लड़का एक मिनट देते एक मिनट टाइम। हाँ लड़का लोग देखो भैया बाबू ध्यान से लड़का ए भैया भैया लड़का ध्यान से इतना और इतना के ठीक बीच की परिमेय संख्या की परिमेय भैया भैया ध्यान से सुना जा पहले जो भी दिहा बा लड़का ध्यान से भैया राजा बाबू बना ए भैया जो भी दिहा बा ओके वन बाई टू पहले लगाए ना बड़ा कुछ नहीं है एके उतार एके उतार अभी समझ में यहाँ तक आए कि नहीं अभी बाबू समझ में आए लेकिन कब आप सब महान विभूति है वो तो महानों के महान है जी भैया रे मना करे बात करत है हाथ जोड़ के कहा भैया रे बात मत करे देखो लड़का उतार लिया अब का होता लड़का ये कौन भिन्न हो ध्यान से सुन लिया ये जोन बात जैसे जब अंश हर से छोटा होता जब अंश हर से छोटा होता एज एग्जाम्पल दो बटा तीन पांच बटे सात आठ बटे नौ नौ बटे ग्यारह ये कौन हो प्रॉपर फ्रैक्शन हो कौन फ्रैक्शन हो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी समभिन्न पढ़े आ जा और जब अंश हर से बड़ा होता क्या होता हर से बड़ा होता जैसे 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 लड़का तीन बटा दो सात बटे पांच नौ बटे आठ ग्यारह बटे नौ बारह बड़ा ये कौन फ्रैक्शन हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषमभिन्न यानी ठीक बात जब अंक सही यानी पूर्णांक रहते यानी क्या रहते पूर्णांक अंश बटा हर समझे ना ऐसे कह जाए पूर्णांक धन समभिन्न पूर्णांक धन समभिन्न ध्यान से समझे लड़का लोग ये कौन भिन्न होता मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र धन देखा जा जैसे बात ध्यान लड़का देखा एक धन दो बटे तीन बना एक सही दो बटे तीन का हो जाए एक सही दो बटे तीन धन चार बटे पांच चार बटे पांच का सम भिन्न हो ना का हो जाए तीन सही चार बटे पांच कैसे आई हो देख लिया वही हो ना जब भाग दे देखो तीन एकदम तीन दू पांच पांच बटे तीन भवा ये विषम भिन्न हो कहते ना विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना पढ़े बेटा तो हर अंश में हर को भाग दिया था यानी पांच भाग तीन तीन एक कम तीन भाग दे हर शेष के ना बचा दो इतहार हो सही इतहार का अंश और इतहार हो गया बारह एक सही दो बटा तीन वही आए कि नहीं आए बोला जा वही आए कि नहीं आए लड़का समझ में आए तो बाबू अब यहाँ वही काम यहाँ देखा हो काम है लड़का लोग देखा है ध्यान से एक गुड़ी चार यहाँ गुड़ा होता यहाँ जोड़ होता एक गुड़ी चार धन तीन बटे में चार समझ में है अभी चार गुड़ी आठ यहाँ गुड़ा होए बतावा ना यहाँ जोड़ होए चार गुड़ी आठ धन तीन ऐसे गुड़ा होए और ये जोड़ होए ऐसे गुड़ा होए और ये सब के समझ में आए कि नहीं है भैया ये तू मत ताके मोर भैया ताक लेवे बोल बाबू ना थमा था दुश्मनी हो जाए ना भैया अरे मोरे भैया कितना राजा है बाबू भैया हमारा भैया नहीं क्यों राजा हो क्या हो क्यों राजा न हो आओ देखो बाबू चार एक क्या चार लड़का लोग ध्यान समझे चार एक क्या चार चार धन तीन सात बटे आठ चार बटे चार चार बटे बत्तीस अरे चार बड़ी क्या हाँ चार साहब चार 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 बटे बत्तीस धन तीन बटे आठ यह ना भैया लड़का लोग अब क्या हो जाए वन बाय टू चार तीन सात बटे चार पैतीस बटे आठ पैतीस बटे आठ अब भैया चार आठ एक सहभाज्य संख्या है को कंपोजिट नंबर को कंपोजिट नंबर हाँ लड़का अभी समझ में आए को कंपोजिट सहभाज्य संख्या दूसरे देखो चार एक चार चार दूनी आठ अब एक बात सुन ले जब देखो लसक बात जैसे दुई बा चार बा आठ बा सोलह बा लसक का हुए सोलह सोलह
तीन बा छह बा बारह बा लसका हो बारह समझ में आए। जब दो या दो से अधिक संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए लसर क्या होता है बड़ी संख्या होती है। अब ये सब चीज अगर दिमाग में रखे है तो दो अंक चार पांच छह जो भी रहे खड़े कर ले बे ना हाँ तो वही बात हो समझ में। अब लसर का हुई यहाँ आठ मालूम होगी बताई निकाले पड़ी कई ले बजा ना चार एकदम चार चार दूनी आठ चार से आठ कटता कि नहीं कटता बड़ी संख्या आठ होगी नहीं है बात समझ में। अब सुनो अब जो बतावा है तू अकेले क्या लो ये हर से भाग दिया था और अंश में गुणा हो था भाग फल यानी आठ भागे चार चार दूनी आठ जो भाग फल आए एक अंश में गुणा हो। अब यही बात के हम यहाँ लिखते हैं सात बटे चार गुणित दस समझ में धन धन पैंतीस बटे आठ गुणित दस गुणित लस ये कहा लस वह जिन भाग वाली बात कहा ठीक है चार दूनी आठ है क्या फिर क्या वन बाय टू सात दूनी चौदह और पैंतीस है क्या पैंतीस बटा में आठ समझ में तकाली है लेके अब बाबू वन बाई टू अब जोड़ लेगा जा कहा हो जाए उनचास बटे आठ न लड़का उनचास से क्या आठ दूनी यानी उनचास बटा समझ में लड़का लोग आए बाबू आए सब क्या लगा लेके फिर लगा ले बताइए तो नहीं आओ तो लगा ली। हाँ लड़के देखो ऋण दो सहित तीन बटे पांच और चार सहित तीन बटे दस के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग एक मिनट में सवाल लगा के दिखाइए।